सब्जेक्टिव शीट नंबर 51 में इमोशनल ईएमएफ की असाइनमेंट थी। इमोशनल ईएमएफ की असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, बीएलबी अप्लाई करना है सब में, 3 में डाउट, 3 में एक हॉरिजॉन्टल टेलीफोन वायर है 1 किलोमीटर लॉन्ग, आपको एल पता है, लाइंग ईस्ट टू वेस्ट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको वायर की लेंथ पता है 1000 मीटर, 1000 मीटर, और ये नीचे गिर रही है 10 मीटर, तो u इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी v हम निकाल लेंगे कैसे, v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज 2 इंटू जी इंटू एस, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। जब भी रॉड वर्टिकल नीचे गिरती है तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला e इज इक्वल टू बी एल वी लगता है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर तो एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है फिर तो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करता हुआ जाएगा, और जब रॉड नीचे गिरती है तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ नीचे गिरती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करती हुई जाती है, तो यहाँ पर बी कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल। आपको क्या निकालना है, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बतानी है, इसमें क्या होगी, बी हॉरिजॉन्टल आपको गिवन है गॉस में 10^-4 से मल्टीप्लाई करके उसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेना है। क्या यहाँ तक क्लियर है, तो बी एल वी में बी हॉरिजॉन्टल, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन कौन सा था, टू रेलवे, हाँ एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, बीएलवी वाला क्वेश्चन है, सेम हो गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कितने का, ये क्वेश्चन हो गया, क्या कॉन्सेप्ट था इसमें, बीएलवी में बी कौन सा यूज किया, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्यों यूज किया, लेकिन मैंने तो आपको ये बताया कि एरोप्लेन जब उड़ता है तो आपको वर्टिकल कॉम्पोनेंट लेना होता है, बी वर्टिकल, पर वो कह रहे हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, जबकि एरोप्लेन वाला सेम क्वेश्चन है, एरोप्लेन ऐसे नहीं, ऐसे है, हाँ नहीं ऐसे नहीं होगा, वो कह रहा है एक स्ट्रेट रॉड है, इज प्लेस्ड इन एन एरोप्लेन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एरोप्लेन लिफ्ट इट्सेल्फ, हमने जितने क्वेश्चन एरोप्लेन के किए, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल जाता है और जाता जाता वर्टिकल कंपोनेंट को काटता हुआ जाता है, तो इसलिए बी वर्टिकल इंटू एल इंटू वी, लेकिन यहां पर एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है, ऊपर ऐसे उड़ रहा है, जब ऐसे उड़ रहा है तो वर्टिकल के साथ उड़ रहा है, तो किसको काटता हुआ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस को काटता हुआ जाएगा, तो इस क्वेश्चन में जब एरोप्लेन वर्टिकल ऊपर उड़ेगा तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बी एल वी में बी कौन सा यूज करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल, जबकि जब प्लेन हॉरिजॉन्टल उड़ता है तो बी कौन सा यूज करते हैं, वर्टिकल। तो एक शॉर्टकट याद रखना, कोई भी बॉडी जब वर्टिकल जाएगी तो आपने भी हॉरिजॉन्टल यूज करना है, और जब हॉरिजॉन्टल जाएगी तो बी आपने वर्टिकल यूज करना है, बात ही खत्म हो गई, अब क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता, ठीक है यहां तक, तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके लिए वर्टिकल कॉम्पोनेंट गिवन है, एंगल ऑफ डिप भी गिवन है, तो एंगल ऑफ डिप से पहले क्या निकलेगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट अर्थ मैग्नेटिज्म ने किया हुआ है, तो आंसर आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों करवाया था, जबकि वो सिलेबस में नहीं था, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे अगर आपने अर्थ मैग्नेटिज्म को नहीं समझा तो, ठीक। अब ऐसे कहते हैं हमने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, तो या तो ये भी हटा देते साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये सारी की सारी डेरिवेशन हैं आपकी, हमने जो मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन की थी याद है, बीएलवी, मैंने कहा था एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ईएमएफ पूछता है, कभी पावर पूछता है, कभी फोर्स पूछता है, ये सारी डेरिवेशंस हैं जिसके अंदर एक रॉड को खींचा जा रहा है, पूछेगा मोशनल ईएमएफ कितनी है, बीएलवी, करंट कितना है, बीएलवी बाय आर, फोर्स कितनी है, बीआईएल, और इसमें आई की जगह बीएल, तो ये रही फोर्स, ये रही पावर, तो ये सारे एक्सप्रेशन में ड्राइव किए थे, सेम डेरिवेशंस है ये, तो सेम कर देना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस करना चाहता हूँ, 10th क्वेश्चन के अंदर ये बड़े फेमस क्वेश्चन है, स्पेशली कहीं आ जाते हैं इमोशनल ईएमएफ पे, वो कह रहा है एक ना
एक व्हील है जिसमें आठ मेटेलिक स्पोक्स हैं, आठ तारे हैं, तो ये रोटेट कर रहा है विद द स्पीड ऑफ, अब आपको इसमें क्या गिवन है, आठ स्पोक्स हैं, लेंथ आपको एक स्पोक की गिवन है, जैसे ये एल गिवन है आपको, तो इस तरीके से ये स्पोक्स हैं आठ हैं टोटल, रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ, आपको एफ पता है, 120 को 60 से डिवाइड कर दो क्या आएगा, आर पी एस, और फिर ओमेगा तो आप निकाल ही लोगे 2.2 फ्रीक्वेंसी से। कह रहे नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, मतलब हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऐसा होता है और ये ऐसा व्हील नॉर्मल है, तो व्हील ऐसा हुआ, व्हील ऐसे घूमेगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऐसे, तो व्हील वर्टिकल घूम रहा है, व्हील वर्टिकल घूम रहा है, व्हील में स्पोक्स लगे हुए हैं ऐसे, तो ये ऐसे घूम रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जो व्हील है उसके स्पोक्स ऐसे घूम रहे हैं, जब स्पोक्स ऐसे घूम रहे हैं वर्टिकल में घूम रहे हैं तो कौन सी लाइंस को कट कर रहे हैं अर्थ की, हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो जब मैंने बोला वर्टिकल है तो बी हॉरिजॉन्टल बोलना है, और अगर हॉरिजॉन्टल घूमते हैं तो वर्टिकल को काटते हैं, तो क्योंकि स्पोक्स ऐसे घूम रहे हैं टायर के अंदर और रिम के अंदर, तो बी कौन सा काट रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, और शॉर्टकट याद कर लो ना, अगर ये रॉड वर्टिकल में घूम रही है तो भी हॉरिजॉन्टल काटेगी, और अगर हॉरिजॉन्टल घूम रही है तो भी वर्टिकल काटेगी, तो इसमें तो हॉरिजॉन्टल घूम रही है तो भी वर्टिकल है, तो इस केस में वो कह रहा है कि ईएमएफ क्या होगी, पहले एक बात को समझ लो, ये सब मेटल का बना हुआ है, तो ये रॉड यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ का पोटेंशियल वी वन है और यहाँ का वी टू, अब क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल होने की वजह से हर पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी रॉड्स में क्या रहेगा, सेम, तो तुम सिर्फ एक स्पोक के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, बाकी सब में भी एग्जैक्टली सेम, नंबर ऑफ स्पोक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, तुम आठ लगाओ, तुम अस्सी लगाओ, जितने मर्जी लगाओ, तुम एक स्पोक का लगा दो, क्योंकि सभी स्पोक्स इसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सब में सेम है, तो स्पोक्स वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्पोक्स का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, तुम एक स्पोक ले लो, अपना आंसर सॉल्व कर दो, क्लियर है यहां तक, तो एक स्पोक ले लेते हैं, तो जब भी एक रॉड L लेंथ की रॉड वर्टिकल घूमती है विद ओमेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने आपको EMF निकालने का फॉर्मूला करवाया था, हाफ बी एल स्क्वायर इनटू ओमेगा, याद करो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, वर्टिकल में जब रॉड घूमती है तो रॉड के दो एंड्स के क्रॉस EMF का ये फॉर्मूला याद करो, मैंने कहा था रोटेटिंग रॉड का फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रॉड किस में घूम रही है, वर्टिकल में, तो बी कौन सा यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल का अब आंसर आएगा, तो इस केस में आपको क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप गिवन है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला है, डेल्टा आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 60, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला हमने किया था बी इंटू कॉस ऑफ डेल्टा, बी पता है डेल्टा पता है, आंसर बी एच आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पोक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है यहां तक कैसे करना है, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 11 करना चाहूंगा डिस्कस, क्योंकि ये लोगों का गलत हो जाता है देखो इसमें फैन ब्लेड ऑफ लेंथ 2a, एक फैन है और उसकी जो लंबाई है ब्लेड की वो 2a है, तो वो कह रहे हैं कि वो f फ्रीक्वेंसी से घूम रहे हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तो एक तरीके से रॉड घूम रही है, आपको ईएमएफ किस में निकालनी है, बिटवीन द सेंटर एंड एंड ऑफ द ब्लेड, अब टोटल लेंथ तो 2a है, सेंटर का मतलब ये हुआ, एंड ये हुआ, तो यानी कि क्या लेंथ हुई, a, रेडियस क्या हुआ, a, मैं रेडियस की बात कर क्यों रहा हूँ, मैं रेडियस की बात इसलिए कर रहा हूँ, या तो आप वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे हाफ बी ओमेगा इन टू एल स्क्वायर वाला आज जो हमने किया, या फिर उसको छोड़ के आप ऐसे कर लो, जब ये पूरी की पूरी रॉड ऐसे घूमेगी तो कित ए रेडियस में है तो कितना एरिया है इसका, पाई स्क्वायर, जब रॉड नहीं घूमी थी यहीं पे खड़ी हुई है तो एरिया कितना स्वीप करती है रॉड, जीरो, एरिया स्वेप्ट जीरो, और मान लो पूरी की पूरी रॉड घूम जाती है इन टाइम पीरियड टी, तो एरिया कितना स्वीप करती है, पाई स्क्वायर, अब ईएमएफ क्या होती है, डी फाई बाई डी टी, डी फाई क्या है, बी इंटू एरिया, मान लो बी और एरिया बोर्ड के अंदर अंदर है तो यहाँ पर बी बाहर आ गया, कांस्टेंट बी है, चेंज इन एरिया, पहले एरिया कितना स्वीप किया था, जीरो, अब कितना कर लिया, पाई ए स्क्वायर, तो डी ए का मतलब चेंज इन एरिया क्या आएगा,
पाई ए स्क्वायर माइनस जीरो, पाई ए स्क्वायर माइनस जीरो, कितने समय में, टी समय में, कैपिटल टी को वन अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, आंसर माइनस लगाना एंड में माइनस लगा लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडिया समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने। तो जब एक रॉड स्वीप करेगी एरिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें आया नहीं आंसर, वही सोच रहा हूं कि हाफ बी ओमेगा इनटू एल स्क्वायर से आंसर नहीं आ पाया, हाफ गायब हो गया उसमें, हाफ का फर्क पड़ रहा है ना, ऐसे ही है ना, पढ़ रहा है कैसे आपका, उसमें तो फॉर्मूला क्या था, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, हाफ बी ओमेगा इनटू एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, चेक कर लेते हैं, हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा क्या है, टू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, और एल की जगह ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, कितना आ गया, ठीक है फिर हो गया, खत्म ही हो गया, फिर जरूरी इससे करना है, फिर ऐसे कर लो, फिर इमेजिन कर लो कि रॉड का रेडियस ए है, टू ए मत लो, ए रेडियस का रॉड लगा लो आंसर, सही है फिर ऐसे कर लो, जरूरी जब रॉड घूम रही है उसका फॉर्मूला कर ही लिया तो वैसे कर लो, चलो ये मेथड समझ में आ गया, दोनों चीज़ें ठीक है, सही है, फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है जो ऊपर अभी किया, सेम है, बस पाई ए स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर है, सेम रिपीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन सेम फॉर्मूला है, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। 14th क्वेश्चन, 14 अब हमने कर लिया, 8 स्पोक्स वाला क्वेश्चन है, 15 स्पोक्स हैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम है, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है आपने अर्थ का, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस फर्क ये है कि उस क्वेश्चन में ईएमएफ निकालनी थी, इसमें ईएमएफ गिवन है, तो ईएमएफ गिवन है तो आप ये कुछ मत देखें, सीधा फॉर्मूला लगाएं, स्पोक्स वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ थी हाफ बी हॉरिजॉन्टल ओमेगा स्क्वायर इनटू एल, इस बार ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ रहा है, आंसर आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करें और इस फॉर्मूले में बीएच की वैल्यू निकालनी है, बस ये क्वेश्चन है। ये शीट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बता देता हूँ मैं आपको, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं वहाँ पे, पक्की बात है, क्योंकि करने ही पड़ेंगे यार, एनसीईआरटी बोल के कर रहा हूँ, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इससे नीचे तो गिर भी नहीं सकते, इतना तो एनसीईआरटी बोलता है कि इतना तो आना चाहिए, इतना भी नहीं आ रहा तो फिर नॉट फिट है, पक्की बात है, सही है ना, समझने से कुछ नहीं होगा ना, करने से भी तो होगा, चलो।